देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और एलसीएम में हमें पता है क्या आएगा, एक्स माइनस ए आएगा, एक्स माइनस बी आएगा और एक्स माइनस सी आएगा। ये हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है, प्लस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी में मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इसी में मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। ये एलसीएम में आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये एलसीएम आएगा। जब आपने इसको डिवाइड किया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के साथ, तो वन आएगा, वन जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा। प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी जब डिवाइड करेगा इसको, एक्स माइनस ए आएगा जो कि बी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, यानी बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस सी ने डिवाइड किया, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आएगा। और वन का तो आपको पता ही है, इसके डिनोमिनेटर में है ही वन, तो ये तो पूरा पूरा वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसको भी साथ में लिख लेते हैं इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये भी आएगा साथ में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है यार, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जो भी आ गया है यहाँ तक सही है, अब इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। बी एक्स स्क्वायर कुछ कैंसिलेशन अगर होता है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ज़्यादा। सॉरी यहाँ प्लस का साइन भी लगाना था मुझे, हाँ नॉट्स फाइन। देखिए इसके बाद हम क्या मिलने वाला है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों टर्म्स को भी आप ऐड करके सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एक्स माइनस सी एल्शियम ले लोगे, अगर इसको आप करना चाहो तो मैं देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये आएगा एक्स माइनस सी एल्शियम, ऊपर आएगा सी प्लस वन से डिवाइड किया तो एक्स माइनस सी, और ये सी सी कैंसिल हो जाएगा और एक्स अपॉन एक्स माइनस सी बचेगा। फिर आपने इसका और इसका एल्शियम लेना है, इस तरीके से आपने चलना है, वो भी मेथड ठीक है। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए सी और इंटू एक्स माइनस बी प्लस, ये सारा मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, क्योंकि तीन टर्म्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, और ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस सी के साथ, और पूरे के होल डिवाइड में वही आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आ गया। और ये आपका वैसे वैसे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यही फिर जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस बी सी एक्स, और यही माइनस ए सी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस ए सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी सी। फिर ये आ जाएगा प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, यही एक्स जब इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स जाके ए एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, और एक्स जब ए बी से मल्टीप्लाई करेगा प्लस ए बी एक्स, माइनस सी जब मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर से माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी एक्स माइनस ए बी सी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस सी बी एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड कर लीजिए, ये सभी एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, और इनमें जो कैंसिलेशन होगा उनको कैंसिल करिए, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो गया जी। अब
ए बी एक्स वाले को टर्म्स को देख लो, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये भी कैंसिल होगा। दूसरा ये माइनस में है बी सी एक्स और ये भी प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस ए सी एक्स है और ये प्लस का ए सी एक्स है, ये भी कैंसिल हो गया। ए बी सी प्लस का है और या माइनस ए बी सी है, ये भी कैंसिल हो। सिर्फ मेरे पास बचा है एक्स क्यूब, ओनली वन टर्म है एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में तो जो था वही रहेगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसको साथ में लिख लेता हूँ, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ बचा है न्यूमरेटर में एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। और दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था उससे भी इस क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व। यहां तक तो मैंने कर ही दिया था दोनों को ऐड करके, क्योंकि इसे इजी हो जाएगा, इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी। और यहाँ आ जाएगा ऑल्टरनेटिव, मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपका पहला टर्म जो है ए एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आ गया, प्लस प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस सी, ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए तो ज़रा बेटर है। और देखिएगा आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक ठीक है। एलसीएम आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और अगर आप तीनों से एलसीएम लेना चाहते हो तो फिर से वही कहानी बन जाएगी, तो बेटर है कि आप दोनों से ले लो, सिर्फ दो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग, सेपरेटली इजीली हो जाएगा हमारे। एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी एलसीएम आएगा, इसको डिवाइड किया तो एक्स माइनस सी ने जाके बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स ने एक्स माइनस सी से, प्लस एक्स माइनस सी से डिवाइड किया, उसने एक्स ने एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ऊपर और देखते हैं कहीं गलती ना हुई हो, क्योंकि एक्स माइनस बी, हाँ सॉरी, ये पूरा डिवाइड कर गया इसको तो यहाँ सिर्फ बी एक्स ही बचेगा, सॉरी फॉर दैट, हाँ पूरा डिवाइड कर गया, ओनली बी एक्स, और इधर तो वो है ही है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी और ए एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस मेथड से करना ज़्यादा बेटर होगा, बजाय आप पूरे में एलसीएम लो, आप दो दो को सॉल्व करो वन बाय वन। ठीक है, तो यह बी एक्स आएगा। अब आपने इन तीन दोनों का जो एलसीएम लेना है वो आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये आएगा, और ऊपर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से डिवाइड किया तो एक्स माइनस ए आया सर, वो जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ आप ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो बी एक्स कैंसिल हो चुका है। अगर आप समझ पा रहे हो उसको तो मैं यही समझा देता हूँ, ये बी एक्स और ये आपका बी एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा था एक्स स्क्वायर, सिर्फ बचा था यहाँ। तो ये एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर से जाके क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, और इन डिनोमिनेटर आ गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी कि हमारे पास सिर्फ बचेगा जो हमें चाहिए था राइट हैंड साइड। ठीक है जी, थैंक यू।